और अब बात पर्यटन क्षेत्र की। भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इस क्षेत्र के सामने कई समस्याएं हैं। सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, पर उनकी गति बहुत धीमी है। भारतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास में कई रुकावटें हैं और उसमें से सबसे बड़ी चुनौती कमजोर मूलभूत ढांचा है। एयरपोर्ट्स की खस्ता हालत, होटलों की कमी और सरकारी हस्तक्षेप जैसे मुद्दे भारत को पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनने से रोक रहे हैं। पैटाम यानी पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन के भारतीय टूरिज्म सेक्टर पर किए गए एक सर्वे में ये बातें सामने आई हैं। देश की इकोनॉमी ऑलरेडी फास्ट ट्रैक पे है और फास्ट ट्रैक के अंदर हमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑब्स्टिकल्स आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर हम ऑब्स्टिकल्स को जल्दी से जल्दी आर्न आउट नहीं करेंगे तो ये फायर बैक भी कर सकता है। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भारत में अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के बड़ी संख्या में आने का सिलसिला जारी है। पिछले साल इस संख्या में 13% की बढ़त देखी गई और 44 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सैलानियों को भारत की तरफ खींचने में इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की अहम भूमिका रही है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ये कई लोगों को रोजगार भी देता है, साथ ही देश के लिए ये बड़ा फॉरेन एक्सचेंज कमाने का साधन भी है। पर इस क्षेत्र के विकास के लिए जितनी गंभीरता से काम होना चाहिए उसकी साफ तौर से कमी नजर आती है। सौरभ मनचंदा, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।